हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं मीमापुर की न्यू वीडियो। बेटे मौज कर दी ट्रेंडिंग मीम्स इंडियन मीम्स कंपाइलेशन। तो आज हम लोग फिर से इंडियन मीम कंपाइलेशन देखने वाले हैं। भैया, इंडिया में लोग मतलब तरह तरह के हरकतें करते रहते हैं। इंडिया में मतलब इंडिया में क्या, जैसे कुछ लोग होते हैं जो मूर्खता की पहचान बन जाते हैं अक्सर, ठीक है, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, या कभी कभी अपने ही मुँह से कुछ ऐसा निकल जाता है कि बाद में रियलाइज़ होता है, ओपे ये क्या कह दिया मैंने। तो यार कुछ ऐसे ही सैवेज मोमेंट्स हम लोग देखने वाले हैं, और बेटे मौज कर दी वाले मोमेंट्स है ना। तो क्या बात है, क्या कर दिया, क्या काम कर दिया, क्या कांड कर दिया। वैसे कुछ ट्रेंडिंग मीम्स इस टाइम जो चल रहे हैं वो हम लोग उनका कंपाइलेशन देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। आया, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। इसे दिल फेफड़े गुर्दों पे ना ले और हेडफोन लगा लीजिए, एक दो गाली के बाद मिल जाएंगे। चलता हूँ, आया चलो स्टार्ट करते। मम्मा। हाँ बेटा, प्रोटेक्शन ले जाना मत भूल। क्या बात, ये क्या बात करते हैं यार? माँ से ऐसे बात करते हैं? वो माँ की बात कर रही थी। करें स्टार्ट। पागल है क्या, हमेशा जल्दीबाजी में ही रहता है। देखने रहा कितने सारे घर हैं यहाँ पे, लोग रहते, मेरा खुद का घर है यार। ये समस्या है रे। एक काम करते हैं, किसी ना सुनसान जगह चलते हैं, वहाँ आराम से हो जाएगा। हाँ यार, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, ये बढ़िया जगह है, ना उधर कोई है ना इधर कोई है। अब स्टार्ट करते हैं। रहा नहीं जाता। यार ज्यादा नहीं सोचते, थोड़ी देर में ना यहाँ भी लोग आ जाएंगे। ऐसा करते हैं, जल्दी से करते हैं, करते हैं। बेल्ट खोल। हाँ स्टार्ट कर। मैंने कहा था कि चोर हो गया। हमने भी चोर करने की कोशिश करेंगे ना बाबू। मैं हमने कुछ गलत ना सोचा था, ठीक है। डोंट गेट इनटू द कैलकुलेशंस दैट यू सी ऑन टेलीविजन। ओ इफ यू आर लुकिंग एट अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, country will have to grow at 12%. Today it's growing at 6-7%. Don't get into those maths. Those maths have never helped Einstein discover gravity. भाई Einstein ने कब gravity वो किया? Meanwhile Newton. रुको जरा, सबर करो. I made a small mistake. Don't get into maths, and I added maths never helped Einstein discover gravity. I think they've taken it very literal. And made a big hoo-ha outside. So while maths helped Einstein discover gravity, but it's because he had that open mind and the ability to think big that he could use maths to discover gravity. Oh, मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। Einstein यार जिंदा होते ना वो, Einstein और Newton दोनों दोबारा मर जाते। 30 分待つのはリサリサの部屋のドアの前で待つのがベストです。その間鍵穴に目を近づけるのはいけないことでしょうか。ナイス。 What you listening to, son? I don't think you like it. Well, why not? I like this new generation of music. रात में वॉशरूम जा रही थी ना, मैंने दरवाजा खोला, मम्मा पापा लोग बेड पे, वो भी बिना कपड़ों के, मम्मा पप्पी बनी हुई थी। आपका तो शो तो डेली है, पूरा साल आप शूट करते जा रहे हो, तो ये सब काम के लिए आपको वक्त कब मिलता है? You mean to make the two little babies? छोटा-छोटा कब मिलता है टाइम? शो आता है 9:30 to 11, फिर उसके बाद जब ये सीएडी चलाते हैं। आपका दरवाजा तोड़ने वाला कोई दया तो होगा नहीं? क्या क्या? मैं भी एक दया ढूंढ रही हूँ जो मेरा दरवाजा तोड़ेगा। What? समझ रहे हो? नहीं नहीं, ये क्या? Damn, this is family show.
सब आपको बोल रहे हैं कि आप जॉनी सिंस हो, जैसे वो अपने कैरेक्टर्स बदल बदल के आते हैं, घरों के काम करते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, आप भी काफी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं अपने शो में। अबे यार, लेकिन उनसे कम ही करें, फैमिली के कैरेक्टर्स प्ले की कोशिश है कभी किसी दिन उन जैसा। मजा आया। भाषाएं रंग रूप है जुबान, बोलो जुबा केसरी, विमल बोलो जुबा केसरी। रुको जरा, सबर करो। आप गुटखा खा करके अंदर बैठे हुए थे, क्या हो क्या रहा था, क्या चल रहा था? कुछ नहीं भैया, एक्चुअली बात यह है कि मैं उस समय गुटखा मैं खाया ही नहीं था। मैं मेरे मुंह में उस समय थी मीठी सुपाड़ी। हां जी, बदल लिया साला। मीठी सुपाड़ी है वो, मुंह मेरे भरी हुई थी उसकी पिक। उतने में मेरे पास एक कॉल आ गया, बस वो कॉल आना हुआ और जो कैमरा था वो मेरी तरफ हो गया। बस इतनी ही बात हुई। इतनी भीड़ में कैमरामैन को यही दिखाई दिए जबकि ये कॉल पे बात कर रहा है, जो है अंदर अपने ले लिया। बताओ फिर खत्म। सुंदर किडनैप हो गया, सुंदर किडनैप हो गया। कोई पुलिस को बुलाओ, कोई पुलिस को बुलाओ, कोई पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस। म्यूजिक, पुलिस आ गई। ये मम्मियां क्या कर रही होती हैं किसी पति पत्नी के प्राइवेट टाइम में? गाइस, आज मेरा ब्रेकअप हो गया है। So sad. और सब गलती उसी की थी, सब गलती रिया की थी। अच्छा, 3 महीने हो गए हैं मेरे रिलेशनशिप में आए हुए और उसे ये तक नहीं पता कि उसके पास कौन सी स्ट्रीम है और मेरे पास कौन सी स्ट्रीम है। मेरे पास फोन करती है आज, कहती है विशाल घर पे कोई नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ नोट्स लेने। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैंने कहा यार तेरे पास साइंस स्ट्रीम है, मेरे पास मैथ स्ट्रीम है, मैं तेरे नोट्स लेने क्यों आऊं? मेरे पास साइंस स्ट्रीम है, मेरे पास मैथ स्ट्रीम है, चूतिया है क्या? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें सीधी सादी लड़की मिल जाएगी। चाय भाई कुछ क्या पियोगे? अरे नहीं नहीं, कशाला कशाला। अरे कशाला का है? अच्छा चाय रहो जा, अपन कोकम शरबत पियोगे। हां बेटा, मन में लड्डू फूटा। अरे नट्टू काका। जी सेठ जी। जरा वो फड़के के उधर कोकम शरबत तो बोला। जी सेठ जी, दो बोल दूं ना? अरे नहीं नहीं, तीन बोला। अच्छा आप भी पियेंगे? हाँ हेलो राहुल। हेलो, अभी कहाँ है तू? बोला यार रास्ता में गाड़ी चलाओ। बोला कल 9:30 यहाँ पे पहुंच जाना, कल 9:30 यहाँ पे पहुंच जाना। अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 यहाँ पे पहुंच जाना। तेरी बहन की है, इनकम बहुत बढ़िया आ रहा है भैया, बिजनेस बिजनेस बढ़िया जा रहा है एकदम। यहाँ आप इस बस में कैसे, मतलब कि मुझे बाई चांस मिल गया, कैसे बस में कैसे घूम रहे हैं आप? पीछे काट रहे हैं भैया, मैं कलेक्शन पे हूँ। कलेक्शन पे का है कलेक्शन भाई? कंडक्टर आपको मना नहीं करता बस में जेब काटने को? महीना जाता ना उनको। अस्पताल में सब आए मुझसे मिलने। बीबी के पापा। हाँ जी, मिस्टर वर्मा मुझे बता रहे थे कि आप घर बैठे बैठे मेरे लिए दुआ मांग रही थी ताकि मेरी याददाश्त वापस आ जाए। देखिए आपकी दुआ कैसे फटाफट कबूल हो गई, मेरी याददाश्त उसी दिन वापस आ गई अस्पताल में। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। घर पे बुलाया था गर्लफ्रेंड ने? जी बिल्कुल। क्यों? वो कह रही थी आ जाओ, घर पे कोई भी नहीं है। एहे, फिर आप गए उसके घर पे? जी बिल्कुल, उसके घर गया, जब घर गया वाकई घर पे कोई भी नहीं था, ताला लगा हुआ था। लड़की सच्ची निकली लेकिन है। इतना मजा आएगा नहीं जब हम लोग जाएंगे आतिफ असलम को लाइव साथ में परफॉर्म करते हुए देखेंगे यार। That's true yeah, but then I like Tony का cover. Shut up. Please. Oh
ओके यार यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड वाओ इस बार यार काफी न्यू मतलब कंपाइलेशन था, ठीक है, क्योंकि एक तो वो जो डॉगी इमेज वाला एक मीम बहुत ज्यादा चलता है ना, कि डॉग वो जो फोन पे बात कर रहा होता है या दोस्त बन के, मतलब उसके पीछे मिमिक्री किसी और की होती है एंड सिर्फ उसकी इमेज लगाई जाती है, ठीक है, तो काफी अच्छा वो कंपाइलेशन लग रहा था। एंड यार सीरियसली भैया ये बताओ मुझे कि न्यूटन का लॉ था, मतलब उन्हें इतना नहीं पता कि ग्रेविटी न्यूटन ने खोजी थी ना कि आइंस्टाइन ने, मतलब हद हो गई भैया, दिमाग क्या मतलब कहाँ छोड़ के आया है संसद भवन में। वैसे यार ये था क्या, मुझे यही नहीं समझ में आया कि मतलब उस टाइम वो बोल क्या रहे थे, उनकी बातों का सर पैर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो अगर किसी को समझ में आया हो तो जरा बता देना, ओके। और कैर यार कंपाइलेशन जबरदस्त था, माइंड ब्लोइंग था। मीमापुर का जो कलेक्शन होता है, जो कंपाइलेशन होता है, वो हमेशा ही यार कुछ अलग होता है, हटके होता है, जो पहले देखा ना हो, एंड सीरियसली काफी अच्छा। एंड देन तन्मय भट्ट वाला वो भी काफी जबरदस्त था। अच्छा कंपाइलेशन था यार। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।